भाई ये सॉस भी साथ में दे दे, इमेजिन। चीज़पुल चीज़पुल चीज़पुल, कैन यू सी हाउ प्रिटी दिस इज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम रिद्धिमा एंड आज हम करने वाले हैं पूरे एक साल बाद फिर से इटालियन चैलेंज, लाइक इटालियन फूड फॉर अ डे। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू डू इट क्योंकि मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कवर की हैं, बहुत सारे नए नए प्लेसेस डिस्कवर किए हैं। एंड यस, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। एक्चुअली किरण ना थोड़े दिन पहले शुरू हुआ था। एक्चुअली शिवम ने एक ऐड देखी थी इंस्टाग्राम पे इटालियन जगह की, विच वॉज सो गुड, और वहाँ से हमने टिरामिसूज और इटालियन सीजनिंग्स एंड पता नहीं क्या क्या, गार्लिक ब्रेड वगैरह सब कुछ मंगवाया था एंड इट वॉज सो गुड, आई कांट टेल यू। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे पूरा वीडियो करना चाहिए इसके ऊपर। सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डू टूडे। तो अभी ना ब्रेकफास्ट के लिए मैंने एक चीज़ मंगवा के रखी हुई है जो कि वन ऑफ मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है और जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना खाई हो, विच इज गार्लिक ब्रेड। लेकिन गार्लिक ब्रेड डोमिनोज वाली जो है ना, वो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। समहाउ पिज्जा हट वाली को जो गोल गोल वाली होती है उसके ऊपर वो मिर्ची मिर्ची होती है, आई डोंट लाइक दैट, बट आई लव डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड। लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी डोमिनोज से डिलीवर करने वाला था नहीं, तो मैंने, मेरे घर के पास एक बेकरी है वहां पर इतनी अमेजिंग वाली ये वाली गार्लिक ब्रेड मिलती है। लुक एट दैट, दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड ट्रस्ट मी, इसका टेस्ट ना अमेजिंग होता है। मैंने ये रात को ही मंगवा के रख लिया था क्योंकि मुझे पता था सुबह मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। आई एम वेरी हंग्री, ये फ्रिज में रखी हुई थी तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी है, मैं जल्दी से इसको ओवन में गर्म करके लेके आती हूँ एंड फिर खाते हैं। एंड ऑल्सो दिस वॉज फॉर ₹90, इमेजिन इसे डबल प्राइस में डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड मिलती हैं। एंड इसमें ऑनेस्टली सब कुछ हर्ब्स वगैरह सब कुछ होते हैं, ना इसके साथ आपको डिप की जरूरत होती है, ना इसके साथ आपको और कोई चीज़ों की जरूरत होती है, ऊपर सीजनिंग वगैरह की जरूरत होती है। भाई ये सॉस भी साथ में देते हैं, इमेजिन। तो मैं फटाफट इसको गर्म करके लेके आती हूँ एंड देन वील हैव दिस। ओके, तो मैंने गार्लिक ब्रेड हमारी गर्म कर ली है एंड लुक एट हाउ प्रीटी दिस लुक्स। ओ माई गॉड, मेरे को इतनी भूख लग रही है एंड दिस स्मेल्स सो गुड, आई कांट इवन टेल यू। और ना पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मेरे को ना इसे साइड साइड ये सब मैं बाद में खाती हूँ, दिस इज द मेन पीस। ये जो दो होते हैं ना, ओ माई गॉड, सबसे ज़्यादा चीज़ और सीजनिंग वगैरह सब कुछ इस पर ही होती है। एंड ऑल्सो आई टेल यू समथिंग, ये स्लाइसेस में आई नहीं थी तो स्लाइसेस मैंने अपने हिसाब से कट कर लिए हैं एंड दिस इज ऑल्सो स्टफ्ड। इसमें बीच में भी एक थोड़ी सी सीजनिंग और वो होती है, एक स्प्रेड, ऊपर इसमें फुल ऑन पिज्ज़ा वाला सारे वेजिटेबल्स एंड सब कुछ, यू नो क्या मैं भूल ही गई यार, मैं इतनी मदहोश हो गई हूँ, क्या बोलते हैं, मशगूल कुछ तो बोलते हैं, व्हाटएवर। सो इसके ऊपर पिज्ज़ा वाले सारे वेजिटेबल्स हैं, चीज़ है, सब कुछ है, अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, आई लव दिस। टिपिकल जो रोड पे वो जैन पिज्ज़ा मिलता है ना, सेम वैसी है। वाह, कसम से ये बेकरी वाली ब्रेड जितनी अमेजिंग होती है ना, आपके घर के पास ऐसी कौन सी बहुत ज़्यादा फेमस बेकरी है जिसके पास बहुत अमेजिंग ब्रेड्स और यू नो कुकीज़ और पेस्ट्रीज वगैरह मिलते हैं, वो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना प्लीज़। एंड इसकी बेस्ट बात ये है कि इसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है ना कि एक बंदा खाए तो उसका पेट भर जाता है। अगेन, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा पेट भरने वाला है। मैं फटाफट से ये ख़त्म करती हूँ एंड लंच के लिए हम जाएंगे बाहर, तो मैं आपसे मिलती हूँ लंच के टाइम पे। ओके, सो इट्स द लंच टाइम नाउ और लंच के लिए हमने एक्चुअली शॉर्टलिस्ट किया था एक बहुत ही अमेजिंग वाला इटालियन रेस्टोरेंट जहाँ हम अभी जाने वाले हैं, विच इज़ जेमी ओलिवर्स पिज़्ज़ेरिया, जो कि है पैसिफिक मॉल सुभाष नगर में। हम फटाफट वहाँ पे पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. सो इस जगह पर काफी शोर था एंड हमने फटाफट मेन्यू देख के डिसाइड किया कि हम रेवियोली खाएंगे, बट वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं। फिर हमने फाइनली ऑर्डर किया अनियन रिंग, मैरिनारा स्पेगेटी विद मीटबॉल्स एंड अ नियोपोलिटन पिज्जा। ओह माय गॉड, दिस लुक सो डिलीशियस। यू रियली थिंक यू आर ऑडिबल राइट नाउ? यार ये मेरे को ऐसे दे दे भैया। सौंफ का टेस्ट है ना, बोल, दैट्स अ गुड मैरिनारा आई अज्यूम। एंड ऑनेस्टली दिस नियोपोलिटन पिज्जा लुक्ड सो गुड, टेस्ट में भी काफी अच्छा था एंड इट हैड एन अमेजिंग चीज पुल आल्सो। जो सुंदर है ना, इसको ऊपर नहीं मंडी करना है। वेयर आर यू नाउ, सॉरी। सो शिवम को ये स्पेगेटी विद मीटबॉल पास्ता बहुत एवरेज लगा। ही फेल्ट कि जो मीटबॉल्स है वो मकेन या किसी और ब्रांड के फ्रोजन वाले, एंड फिर वो स्पेगेटी मैंने ट्राई करी। मीटबॉल्स ना फ्रेश नहीं है, इसका अच्छा नहीं लगा मुझे, बाकी तो ठीक है, मीटबॉल्स फ्रेश नहीं है।
मतलब वो है फ्रोजन वाली, ये वो गरम मसाले वाले तो नहीं, मेरे को पसंद नहीं है, वैसी है। सो दिस प्लेस वॉज नाइस, खाना काफी अच्छा था, स्पेशली द पिज्जा एंड इट वॉज डिसेंटली प्राइस्ड टू, बट स्पेशली दिस पानी की बॉटल वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ओके सो अमेजिंग वाला पिज्जा और स्पेगेटी खाने के बाद हम घर आ गए हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज पोस्ट इवनिंग एंड मैंने बाहर कुछ खाया नहीं, तो मेरे पास अभी है ये मकेन वाले फ्राइज एंड आई एम गोइंग टू मेक फिर भूल गई। A few inches later. So I'm going to make cheesy Italian fries and मतलब actually पूरा loaded वाली fries बनाने वाली हूँ, और मैंने Sorrentina से seasonings मंगवाई थी Italian वाली, वो मैं use करने वाली हूँ, trust me they are amazing, मतलब इतनी amazing कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को पहले वाली वो Happy Chef की garlic seasoning बहुत ज़्यादा पसंद थी, but ये वाली चुम्बेश्वरी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा amazing है, तो मैं फटाफट से जाके ये air fryer में डालती हूँ और बना के लेके आती हूँ। टाइम और मेहनत लग गई, आई स्वेयर ये फ्राइज को फ्राई होने में, मतलब एक्चुअली एयर फ्राई होने में या बहुत क्रिस्पी होने में बड़ा टाइम लग जाता है, आई स्वेयर एयर फ्राई में तो लिटरली 20 मिनट लगते हैं। सो या एनीवेज आई हैव माय फ्राइज हियर, मैंने ऊपर प्याज टमाटर और ये सब डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं की क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही थी। फटाफट से जस्ट इसको देखो, हाउ प्रिटी डज दिस लुक एंड आई कांट वेट टू एक्चुअली हैव दिस। चीज़पो चीज़पो चीज़पो, क्या बात है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है और ये सीजनिंग सच में बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, आई लव ये डिलेक्टा वाली चीज, बहुत कम चीज ऐसी होती है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को जो मोजरेला वगैरह मिलती है उसमें कई बार बहुत बार चीज पर नहीं आता है, ये डिसअपॉइंट नहीं करती कभी, जो ऊपर साउथ वेस्ट वाली वो डाली है सीजनिंग अमेजिंग, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग सो वेल, एक्चुअली इतना अच्छा बना है और मेरी मम्मी को फ्राइज बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं उनको ना खिलाऊं, तो मैं फटाफट जाती हूँ थोड़ा बहुत सबसे शेयर करती हूँ और मिलते हैं डिनर के टाइम पे, आखिर डिनर के लिए भी मुझे कुछ कुछ बनाना पड़ेगा, तो या ओके तो इट्स फाइनली डिनर टाइम एंड डिनर में मुझे बनाना है टमेटो ब्रुस्केटा। मैंने पहले एक्चुअली ये एक शॉर्ट के लिए बनाया था, तो अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो, एंड मैं अब जाने वाली हूँ किचन में फटाफट जाके, सारी प्रेपरेशन एक्चुअली मैंने कर ली हैं, मैंने ब्रेड्स काट लिए हैं, मैंने टमेटो को ऑलरेडी ओवन में डाल के पूरा पका लिया है, फटाफट से जाके सब कुछ असेंबल करते हैं और उसको बेक करके लेके आते हैं एंड फिर उसके बाद खाते हैं डिजर्ट। सो माय टमेटो ब्रुस्केटा इज हियर, कितना ज़्यादा सुंदर लग रही है, ओ माय गॉड, एंड मेरे को याद है मैंने पिछली बार जब शॉर्ट्स बनाई थी मैंने तब भी यही वाली प्लेट यूज़ की थी एंड इट्स द सेम प्लेट, इट इज़ बैक नाउ, बट आई कांट वेट टू हैव दिस, अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड दिस इज माय ब्रुस्केटा, मस्ट टोस्टेड ब्रेड, इट्स अ वेरी इजी रेसिपी, मैंने भी किसी की इंस्टाग्राम पे देख के बनाई थी एक्चुअली, दिस इज सो गुड, बट एक्चुअली ये बहुत ईजी वाली रेसिपी है तो आप फटाफट बना सकते हो अगर आप पास्ता और पिज्जा खा खा के बोर हो गए हो, दिस इज समथिंग रियली न्यू एंड रियली टेस्टी, वेरी लो एफर्ट ऑल्सो, और अगर आप चाहो तो आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स और कॉर्नस और ये सब वगैरह भी डाल सकते हो इसके ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन योर फेवरेट वेजिटेबल्स कि आपको कैसे बनाना है, ये ईजीएस्ट है। सी ये मैं आराम आराम से खत्म करती रहूँगी, पर मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली अपने डिजर्ट के लिए, और एक्चुअली मैंने दो चीज़ें मंगवाई थी, एक अपने लिए और एक शिवम के लिए, सो आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी ऑथेंटिक टिरामिसू, एंड शिवम के लिए मैंने मंगवाया था चॉकलेट लावा कपकेक जो वो बहुत देर पहले ही खा चुका है एंड ही इज एक्चुअली वेटिंग कि मैं उसको इसमें से भी शेयर करूंगी, तो यहाँ एनीवेज आई विल जस्ट शो यू हाउ माय टिरामिसू लुक्स लाइक, ओह माय गॉड दिस इज सो प्रिटी, अब इसका टेस्ट सोरेंटिना वाले टिरामिसू जैसा है या नहीं है पता नहीं, बट लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो प्रॉपरली इतने प्यार से डेलिकेटली बनाया हुआ, वाओ, कैन यू एक्चुअली सी दिस, कैन यू सी हाउ प्रिटी दिस इज, एक्चुअली रेड समवेयर जो ऑथेंटिक टिरामिसू होता है उसकी जो ब्रेड होती है इट इज एक्चुअली सोक्ड इन कॉफी, सो मतलब बेसिकली एस्प्रेसो में उसको सोक करके रखते हैं एंड देन दे मेक द टिरामिसू केक आउट ऑफ इट, सो दिस इज हाउ इट लुक्स एंड आई जस्ट कांट रियली वेट टू टेक अ बाइट, फंबल्स मार रही हूँ मैं इतने, वाओ ओह माय गॉड, ओके एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, सी एक्चुअली ये थोड़ा सा बिटर जरूर होता है बिकॉज ऊपर ये सारी की सारी कॉफी स्प्रिंकल्ड होती है, नीचे कॉफी सोक्ड ब्रेड होती है, तो यू एक्चुअली हैव टू बी अ कॉफी लवर टू अप्रिशिएट दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा बिटर शायद हो सकता है लेकिन सच में ये बहुत अच्छा है, आई हैड सो मेनी टिरामिसूज़ इन माय लाइफ एंड आई हैव नेवर बीन डिसअपॉइंटेड, और ये बीच में जो क्रीम चीज है इट्स वेरी लाइट, वेरी फ्लफी, वेरी वेरी बैलेंस्ड शुगर और बहुत ही, आई डोंट थिंक आई वांट टू शेयर दिस विद शिवम, बट ऑल्सो आई डोंट हैव अ चॉइस,
ओके सो दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि अगला वाला वीडियो कौन सी कंट्री का या कौन से स्टेट का होना चाहिए दैट आई शुड हैव फॉर 24 आवर्स. एंड मुझे कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट इटालियन फूड कौन सा है. एंड जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में. सब्सक्राइब जरूर करना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो. बाय.